हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है। मैं आज आपके सामने बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये एक टॉफ़ी का डिज़ाइन है। तो आइए मैं इस डिज़ाइन का आपको नाप बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने नाप ले लिया है। तो ये मैंने 2 पीस लिए हैं जो 3-3 इंच के हैं, और ये मैंने 2 पीस लिए हैं तो ये भी ये 1.25 इंच के हैं, और ये जो है ये 5-5 इंच का एक पीस है। ये 2 पीस हैं जो 5.5 इंच की इनकी लंबाई है और 2.5 इंच इनकी चौड़ाई है। ये 2 पीस हैं। ये भी मैंने 2 पीस लिए हैं जो कि 7.5 इंच इनकी लंबाई है और 2.5 इंच इनकी चौड़ाई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इनको मैं साइड में रख देती हूँ और बताते हैं। तब सबसे पहले हम ये वाला पीस लेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, ये जो हमने 1.25 इंच के जो टुकड़े लिए हैं, इन दोनों टुकड़ों को ऐसे लगाएंगे। ऐसे लगाने के बाद हम यहाँ से स्केल से एक लाइनिंग लगा लेंगे, इधर भी लाइनिंग लगा लेंगे और उसी लाइनिंग पर हम सिलाई करेंगे। पहले मैं आपको लाइनिंग लगा के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्केल की मदद से ये लाइनिंग बीच में लगा ली है। ये एक ही तरफ ऐसे ही लगानी है सीधी। तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर सिलाई करेंगे इन दोनों के ऊपर, और इधर थोड़ा करके हम कट करेंगे। पहले हम लाइनिंग लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे। तो ये पीस है हमारा, ये हमने इसको यहाँ से कट कर दिया है, और यहाँ से भी इसको कट कर दिया है। कट करने के बाद फ्रेंड्स, ये ऐसे खुल जाएगा, इसको हम ऐसे इसको खुल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड, ये जो हमारे 2 टुकड़े हैं इनको भी हम आपस में इस तरीके से करके और क्या करेंगे, लाइनिंग लगाएंगे। ये हमारा स्केल है और ये हमने एक लाइन बीच में लगा ली है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम बीच में लाइनिंग को छोड़ के साइड साइड में एक एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इस यहाँ से बीच में कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद ये हमारे 2 पीस हो जाएंगे। अब क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो हमारे 2 पीस हो गए, हम इनको अच्छी तरीके से 2.5-2.5 इंच के नाप लेंगे। तो मैं नाप के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे दोनों पीस तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये 5-5 के जो हमने 5.5-5 के जो ये जो टुकड़े लिए हैं, इसको यहाँ पर रखकर ऐसे पलटेंगे और इसको यहाँ पर रखकर ऐसे पलटेंगे। तो हम सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिल लिए हैं, और ये मैंने थोड़े आधा इंच के थोड़ा एक्स्ट्रा ही कपड़ा लिया था ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे, कपड़ा छोटा बड़ा ना हो। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा निशान लगा के नाप से हम इसको कट कर देंगे, और फिर इसको पहले मैं कट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इस पीस को लेंगे और इस पीस को लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, ये जो हमने ये पीस यहाँ लगा लिए हैं, ये इसको हम ऐसे ही लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले इसको यहाँ से रख के इसको सिलेंगे, पलट देंगे, और इसको यहाँ पर रख के सिलाई करके इसको ऐसे पलट देंगे। तो मैं सिल लेती हूँ पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों टुकड़े जोड़ लिए हैं। ये वाला टुकड़ा मैंने थोड़ा 1/2 इंच फालतू ही लिया था, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कपड़ा थोड़े स्ट्रेचेबल की वजह से छोटा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए मैंने पहले ही एक्स्ट्रा 1/2 इंच बढ़ा लिया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम इस तरीके से पलटेंगे। एक बात जरूर ध्यान रखिए, इस सिलाई से और ये जो है इसको सिलाई से ऐसे जोड़ेंगे, इसकी तरफ इधर पलटेंगे और इसको इधर पलटेंगे, ताकि मशीन चलाने में कोई दिक्कत ना आए। तो मैं फ्रेंड्स, ये पूरी लाइन सिल लेती हूँ, और यहाँ से मैं पहले इसको पिनअप कर लेती हूँ। हमेशा ये ध्यान रखिए, जहाँ आपको कन्फ्यूजन लगे वहाँ पहले से ही पिनअप कर लेंगे तो सिलना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिल लिया है। अब मैं इसको इस पर पलट कर दिखाऊंगी, ये ऐसे करके इसको सिलूंगी। और हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो ये देखिए ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा आ गया जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था। इसको हम बाद में कट कर लेंगे, पहले मैं ये वाला
टुकड़ा ज्वाइंट करके दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा जुड़ गया है और एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा साइड में है। सबसे पहले क्या करेंगे, अब यह हमारा डिजाइन है ये कंप्लीट हो गया है और इस पर हम अच्छी तरीके से प्रेसिंग सी कर लेंगे। चाहे आप प्रेस कर लीजिए, उससे ये कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेचेबल नहीं रहेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम इसको कट करेंगे और ये हमारा डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा डिजाइन कंप्लीट हो गया है और ये बहुत ही प्यारा डिजाइन तैयार हुआ है। आइडिया आपको मैंने पहले बता चुकी हूँ, चाहे आप ये देखिए, एक डिजाइन और मैंने आप तैयार किया है ताकि आपको कोई कपड़े वपड़ों में कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपका जैसा दिल करे वैसा आप कपड़ा ज्वाइंट करें, जो आपके घर पे अवेलेबल हो वही कपड़ा यूज कीजिए। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कीजिए शेयर कीजिए।